तो हेलो भाई, कैसे हो गाइस? स्वागत है आप सभी लोगों का एक और कमाल के गेम प्ले वीडियो में। तो आज हम लोग खेलने जा रहे हैं कार फॉर सेल। तो इस गेम में हमको एक कार डीलरशिप ओपन करनी है एंड उन गाड़ियों को बेचकर हमको बहुत सारा पैसा कमाना है। वैसे काम सुनने में बहुत ज्यादा आसान लग रहा होगा, लेकिन यार ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे पास पैसा बहुत ज्यादा कम है। तो हमारी स्टार्टिंग एक बहुत ही छोटी और बेकार सी डीलरशिप से होने वाली है, लेकिन यार हम काम चला लेंगे। लेकिन उससे पहले यार मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। तो हेलो गाइस, वेलकम हो गया सभी लोगों का हमारी एक सस्ती सी कार डीलरशिप पे। एंड यार ये इतनी अच्छी और महंगी भी नहीं है कि मैं इसका टूर दूं, लेकिन यार अपनी ये कार डीलरशिप है, अपन ने किराए पे ली है। तो हमारा सबसे पहला टास्क ये है, हमको यहाँ पर जितना भी कचरा है उनको साफ करना है। लेकिन वेट यार, ये कौन सी कार है? बड़ी बढ़िया लग रही है, टू सीटर। चलो कोई नहीं, अपन को इसको हटाना पड़ेगा। एंड यार ये इतना सारा कचरा कौन फेंक गया भाई? ये प्लेन क्या कर रहे हैं मेरी दुकान के सामने? एक सेकंड, दुकान नहीं, अपनी डीलरशिप बोलेंगे। तो मैंने सारा कचरा फटाफट से साफ कर दिया है और भाई ये अपनी डीलरशिप। और यार मैं इसके अंदर जा क्यों नहीं पा रहा हूँ? लगता है दुकान के सामने से ये भी हटाने पड़ेंगे। यार मैं बार बार इसको दुकान क्यों बोल रहा हूँ? ये हमारी डीलरशिप है। तो यार मैंने सारे प्लैंक्स हटा दिए हैं, शायद ये खिड़कियों को बचाने के लिए रखे होंगे। ये अंदर से तो बढ़िया हट, क्या बढ़िया है भाई, बिल्कुल बेकार है। ऊपर ही कांच क्यों लगा रखे हैं? अंदर जो आदमी बैठेगा वो तो भसम ही हो जाएगा। चलो कोई नहीं, अपन एक छत लगवा लेंगे। एंड यार एसी वेसी का सिस्टम रखेंगे यहाँ पर। और भाई ये अपना कंप्यूटर है, कस्टमाइज। यू डोंट हैव एनी कार्स? अच्छा, अपन को एक कार खरीद के लानी पड़ेगी, तो अपन यहाँ पे उसका डेटा रख सकते हैं। एंड यार अपन अपनी डीलरशिप को यहाँ से अपग्रेड भी कर सकते हैं। हाँ, ये डीलरशिप पहले किसी और की थी, हमने उससे खरीदी है, तो ऑफ कोर्स हमको नाम चेंज करना ही पड़ेगा। यार क्या नाम रखूँ, बढ़िया सा नाम? हाँ एक आइडिया है मेरे पास, ये नाम रखते हैं भाई अपना शोरूम, ऐसे खतरनाक चलेगा। महेश दल्ले, महेश दल्ले, बेड़ा दल्ले, बेनी बाप तेरा नल्ला है, लोड़ा हुक्का मेरा, ममता मेरी। चलो यार एक खतरनाक सा नाम तो मैंने रख दिया है, या फिर ये नाम शायद खतरनाक नहीं है। मैं काम करता हूँ, फटाफट से नाम चेंज ही कर देता हूँ, कहीं पता चले यार कोई आ ही नहीं रहा है नाम पढ़ के ही। तो यार फिलहाल मैंने सम्राट ऑटोज नाम रख दिया है। एंड यार $10 लगेंगे, चलो कोई बात नहीं, नाम तो ठीक होगा। फालतू में पैसे लगा दिया यार मैंने दो बार। बाकी यहाँ पर एक कंटेनर भी है जिसको मैं अपग्रेड कर सकता हूँ, ये मेरे सोने के लिए। एक बेड लगा हुआ है और बिना खिड़कियों का एक खिड़की बोल लो चलो। लेकिन यार अभी पैसे नहीं है, अभी फालतू में खर्चा नहीं करेंगे, फटाफट से एक गाड़ी खरीदेंगे। क्योंकि यार एक सीधी सी बात है, एक डीलरशिप कैसे काम करती है, मैं एक पुरानी गाड़ी खरीदूंगा, उसको थोड़ा ठीक भी कराऊंगा, अपग्रेड कराऊंगा और फिर बेच दूंगा। तो मेरे को जाना है नेबरहुड पे, और सीधी सी बात है मेरे पास तो अभी एक साइकिल भी नहीं है, तो मेरे को बस से ही जाना पड़ेगा। तो क्या पता अभी नेबरहुड पे कोई अच्छी सी गाड़ियाँ बेच रहा हो। लेट्स गो, मैं नेबरहुड पे आ तो चुका हूँ। एंड यार यहाँ पे मेरे को एक भी गाड़ी दिखाई नहीं दे रही, वो सामने एक गाड़ी है। छी, कितनी घटिया गाड़ी है यार ये। एक सेकंड, ये कितने में बेच रहा है? यू कैन सी ऑल द डिटेल्स ऑफ द कार, सम डिटेल्स मे बी फॉर यू कैन। अच्छा तो गाइस यार ये बंदा मतलब कि यहाँ पे अपन को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि जो सेलर है वो अपन को झूठ भी बोल सकता है। जैसे अपन ने कार खरीद ली, बाद में पता चले कार काम ही नहीं कर रही, मतलब कि कार का इंजन ही नहीं है। लेकिन यार डील बढ़िया दे रहा है बंदा, 2300 रुपये में ये वाली गाड़ी खरीद सकते हैं, मतलब कि थोड़ी सी अपग्रेड करवा के बेच दे तो क्या पता यार आराम से बिक जाए। चल बे, नहीं ले रहा तेरी गाड़ी, इतनी बकवास गाड़ी से थोड़ी से स्टार्ट करूँगा यार, कि बेकार गाड़ी है, बिकेगी भी नहीं। चलो मैं फटाफट से आगे चलता हूँ। यार इधर भी गाड़ी नहीं है। ओ ये गाड़ी थोड़ी बढ़िया लग रही है, मतलब कि उससे तो बढ़िया ही है। चलो यार फटाफट से पूछता हूँ कितने की है। हाँ बता दे यार, 9000। अरे भाई दिमाग खराब है क्या भाई, 9000 लेके भी नहीं आया हूँ मैं, 7000 ये है भाई। बड़े बेकार लोग हैं यार, कैसे गाड़ी बेच रहे हैं। ओ भाई सामने एक और गाड़ी दिख रही है मेरे को, पुरानी BMW जैसी गाड़ी है। चलो पूछता हूँ कितने की है। लेकिन वेट यार, इसका एक पिछला वाला दरवाजा डेंट आ रखा है उस पर, ये तो पक्का 1-2 हज़ार में मिली जानी चाहिए, इससे महंगी तो क्या ही होगी, क्योंकि टूटी हुई भी है ना। 13000 भाई, BMW हैवी नहीं है, BMW लग रही है। चल बे तू ही रख तेरी गाड़ी को। एंड यार ये सामने से कौन सी गाड़ी आ रही है? अरे भाई उड़ाएगा क्या भाई, पागल लोग है यार यहाँ के, अंधे हैं आधे से ज़्यादा तो अंधे लोग हैं भाई, इनको दिखता ही नहीं अपनी गाड़ी की हालत क्या है, बेच कहाँ रहे हैं। ओ भाई ये कौन सी गाड़ी है, इतनी बकवास थी। चलो पूछ लेता हूँ ये कितने की है भाई। 26000। अंकल अंकल ये वाली बोल रहा हूँ, ये वाली गाड़ी भाई
कौन ये कौन से नशे में भाई, ये क्या बेच रहा है उसको 26,000 में क्या बेच रहा है? मेरे पास जितने पैसे उनके 4 गुना ज़्यादा पैसे में गाड़ी बेच रहा है और इतनी बकवास थी। एंड यार ये गाड़ी ये कौन सी है, चलो इसके भी पूछ लेते हैं। बता दे भाई तू भी 10,000 नहीं 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 चाहिए। एंड यार सामने मेरे को एक ऑडी R8 दिख रही है भाई, ये गाड़ी 7,000 पूरे ले ले, ये गाड़ी दे दे भाई, क्या बढ़िया कंडीशन में। एंड व्हील देखो ये गाड़ी बढ़िया है, 7,000 पूरे ले ले, ये गाड़ी दे दे मेरे को 26,000। अरे नहीं यार चलो कोई ना, तो घूम फिर के मैं अपनी औकात पे आ चुका हूँ भाई। चलो अंकल आप ही दे दो यार गाड़ी। चलो यार अब ज़्यादा दिमाग का दही नहीं करते, फटाफट से ये वाली गाड़ी ले लेते हैं क्योंकि यार अपने बजट में अभी यही है। यार ये बार्गेन वाला ऑप्शन नहीं खुला है यहाँ पे। अच्छा चलो अपन डायरेक्ट बाई ही कर सकते हैं, बाकी एक्सपर्टीज खरीद के तो क्या ही करेंगे। और लुक कार चलो बाई कर लेते हैं, लेट्स गो। गाड़ी मैंने खरीद ली है, ये रही अपनी गाड़ी। और वो अंकल कहाँ भाग गए अंकल? अरे अंकल भाग गए यार, ये गाड़ी नहीं चली ना तो अंकल की अंकल चिप्स बना दूंगा। अरे यार ये मेरे को कंट्रोल सिखा रहे हैं, अरे पापा को मत सिखाओ यार। अरे ये गाड़ी आगे क्यों नहीं चल रही? हेलो ये स्टार्ट कैसे होगी? तो फाइनली यार गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है और इसके लाइट वगैरह इंडिकेटर्स भी काम कर रहे हैं। चलो फटाफट से इसको लेके चलते हैं एंड यार थोड़ा आराम से। और लेकिन भाई गाड़ी बहुत ज्यादा खतरनाक है, वो ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट भी लग रही है, ड्रिफ्ट के पॉइंट्स भी मिल रहे हैं मेरे को। चलो यार सेफली गाड़ी पहुंच चुकी है अपने शोरूम पे और भाई इसको पार्क कर देते हैं एंड ढंग से थोड़ा पार्क करेंगे ताकि यार अच्छी भी तो लगनी चाहिए ना। और भाई देखते हैं कितने में बिकेगी, इसको फटाफट से यार अंदर जाके सेल पे लगा देते हैं। तो ऑफिस यार अपना खुला ही रह गया था, वैसे तो कौन ही घुसता है, लेकिन यार अगली बार से बंद करके जाऊंगा, पता चले अपना कंप्यूटर लेके भाग गया कोई। भाई ये क्या लिखा है? चलो कोई नहीं, अपन को तो यहाँ पे गाड़ी की अमाउंट यहाँ पे डाल देनी है और टाइटल यहाँ पे डाल देना है। यार अमाउंट कितनी डालूँ? 10,000 डाल दूँ क्या? 1,00,000 और 1,00,000 ज़्यादा हो गई। 2300 रुपये की मैंने खरीदी, $2300 की मैंने खरीदी है, तो यार 10,000 में तो बिकी जानी चाहिए। एंड यार एक बढ़िया सा टाइटल। आओ सालो। तो प्राइस मैंने यहाँ पे 10,000 रुपये डाल दिया है, अब देखते हैं यार कितने दिन में बिकेगी, 1 दिन में 2 दिन में, कहीं यार अभी बिक जाए भाई। 10,000 में बिके भी की क्या यार, हालत तो नहीं लग रही इस गाड़ी की। ओह ये कस्टमर है क्या भाई? कस्टमर इतनी जल्दी? ओ भाई भीड़ लग गई यार इस गाड़ी के लिए। तो तुम पक्का ना वो ड्रिफ्ट देख के आयो जो मैंने मारी थी? आंटी यार आप तो क्या ये ले लोगे, 10,000 रुपये प्राइस देख लो। ओ भाई ये वो लेने को तैयार है, ये बिक गई भाई। अरे मेरे को यार महंगी लगानी चाहिए थी गाड़ी, 10,000 में तो यूं ही बिक गई। कुछ भी बोलो यार बिजनेसमैन तो हूँ मैं, एक दो गाड़ी और लेके आनी चाहिए थी। चलो यार रात हो गई है, ऑफिस बंद करने का टाइम हो गया है। और भाई गाड़ियाँ यूं ही बिकती रही ना तो सम्राट ऑटोस चल पड़ेगा। तो फिलहाल भी मेरे को सोने के लिए घर पर जाना है, चलो बस से ही चलते हैं, कंटेनर पर जाना है। और यार सच में यार बहुत ज़्यादा गरीबी है इस गेम में, ये मेरा घर है। चलो कोई नहीं अपने पास बहुत पैसा है, अब तो कोठी बंगले खरीदूंगा यार मैं। गुड मॉर्निंग यार, सुबह यहाँ पे हो चुकी है और रात को यार मैं खिड़की से बैठ के सो गया था, दरवाजा तो इधर है, दिखा ही नहीं मेरे को ये दरवाज़ा। भाई ये पलंग कुछ ज़्यादा ही छोटा नहीं है और खिड़कियाँ तो लगी नहीं रखी। चलो कोई नहीं अपने घर को बंद करते हैं, घर तो बोल भी नहीं सकते यार, इसको चाय की टपरी भी नहीं खोलते होंगे लोग यार इसमें, मैं सो रहा हूँ। चलो फटाफट से ऑफिस चलते हैं, ऑफिस को ओपन करते हैं एंड फिर बाद में और गाड़ियाँ खरीदने चलेंगे यार आज। तो सम्राट ऑटोज पे हम आ चुके हैं एंड यार ये कचरा कौन फेंक गया? कूड़ा कचरा पात्र है कि? और भाई यार इतने बड़े डीलर को कचरा फेंकना पड़ रहा है, चलो कोई नहीं 10-12,000 नौकर रख लेंगे यहाँ पर। और यार डीलरशिप को पहले तो बड़ा बनाने की ज़रूरत है। केन पीपी के फेंक के जा रहे हैं लोग भाई, इतने चांटे मारूंगा ना भाई। यार मैं फालतू में ऑफिस में आ गया, $10 और लग गए क्योंकि यार गाड़ी तो मेरे पास है ही नहीं, ऑफिस आने का कोई मतलब ही नहीं है। कार मार्केट चलूँ क्या? यहाँ पर बढ़िया गाड़ियाँ मिल सकती है मेरे को। ओ भाई यहाँ तो बहुत सारी गाड़ियाँ आई हुई है यार, सामने देखो पोर्श। भाई ये गाड़ी दे दे यार, 15,000 है मेरे पास, 10,000 में दे दे मैं ले लूँगा यार। पोर्श भाई बढ़िया लग रही है, 1,46,000। नहीं भाई सॉरी गलती से आ गया भाई, गाड़ी तो है बट यार ये तो शायद 911 है, तो बहुत ज़्यादा ही महंगी है। मर्सिडीज वी क्लास नहीं ये ले लूँगा यार, लेक्सिस जैसी कुछ लग रही है। बताइए ज़रा कितने की प्राइस है? ओ भाई 64,000। नहीं सॉरी पैर ज़मीन से निकाल ले पहले, घुस रखे हैं पैर तेरे। तो यार ये वाली गाड़ी थोड़ी सस्ती लग रही है, चलो पूछते हैं आंटी क्या क्या भाव है इसके।
7,000। चलो यार 7,000 की मेरी हैसियत तो है, बट यार रुको मैं देखता हूँ इस गाड़ी को लेना है कि नहीं। और भी गाड़ी है यार यहाँ पर, ये किया जैसी कुछ लग रही है, चलो पूछता हूँ। 44। अरे भाई अंकल पागल हो गया बिल्कुल ही, कार मार्केट में यार कार्स तो है, चलो इसकी प्राइस बता दो। 9,000 यार, 9,000 मेरे पास 9,000 है तो, पर यार ये मेरे को लग रहा नहीं है वर्थ ही था ये कार लेना। ओ भाई यार ये गाड़ी थोड़ी अच्छी लग रही है, मतलब कि इसके पीछे स्पॉइलर वगैरह है तो स्पोर्ट्स कार टाइप। 8,700 यार, ये बढ़िया डील लग रही है मेरे को। आंटी आप यहीं रुको, भाई मैं फरारी देख के आता हूँ एक बार। यार मेरे को पता ही औकात की भारी होगी, लेकिन फिर भी यार अंकल कितने की बेच रहे हो? 2,92,000। भाई 2,92,000 मैंने यार इकट्ठे देखे नहीं साथ में यार, ये कबाड़ बजट में लग रहा है, ये कबाड़ 1-2 हज़ार में मिल जाए तो ये ले लूँ मैं तो। 2,47,000 अंकल, अंकल भाई पागल हो गया बिल्कुल ही, ये वाली गाड़ी मांग रहा हूँ मैं, ये वाली कि कुछ फंसा रखा है क्या आंखों में भाई? यार सामने से पैसे दो ना तो ना लेके जाऊँ ये गाड़ी में। 2,47,000, डंडे का ऑप्शन नहीं आता क्या यार इसमें? लट्ठा दे दूँ इस आदमी के पीछे। भाई ये वाली डील फाइनल करो, यहाँ के लोग भाई चप्पलें सूंघ सूंघ के नशे कर रखे हैं। 8,000, चलो यार ये वाली गाड़ी खरीद लेता हूँ मैंने, चलो एक गाड़ी खरीद ली है और भाई ये ठीक है, ये बिक जाएगी, काफी बढ़िया गाड़ी है यार ये, और ड्रिफ्ट मार रही है भयंकर। अरे चलो चलो, अरे 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 अरे, ओ भाई बच गई, अगर टच तो नहीं हुई ना, ओ एक भाई एक इंच बची है बस। गाड़ी मैंने पार्क कर दी है, चलो फटाफट यार इसको सेल पे लगाता हूँ। यार मेरे हिसाब से सेम टाइटल वर्क नहीं करेगा तो मैं दूसरा डालता हूँ, ये सही है। गाड़ी ले लो। चलो यार पैसे कितने डालूँ इस पे? 15,000 आई थिंक यार, 15,000 सही रहेंगे, क्योंकि यार साढ़े आठ हज़ार की तो मैंने खरीदी है, तो इस हिसाब से ठीक है 15,000 भी चल जाएंगे। तो गाइज ने यार एक बहुत ज़्यादा बुरा और एक बहुत ज़्यादा अच्छा काम भी हुआ है, चलो मैं बता देता हूँ। अभी जो मैं गाड़ी लेके आया था वो बिक चुकी है, देखो मेरे पास $18,000 हैं, बट मैं आपको वो दिखा नहीं पाया क्योंकि यार स्क्रीन रिकॉर्डिंग ही बंद हो गई थी। तो मैं दोबारा से आ चुका हूँ यहाँ पर नेबरहुड पे, ओ भाई मर्सिडीज खड़ी है यहाँ पे, अंकल से पूछता हूँ। 65,000, अरे नहीं नहीं नहीं, अब से यार महंगी कार की तरफ देखूंगा, यानी सस्ती कार ही खरीदते हैं। यहाँ पे यार ये फूड ट्रक है, चल चल खाना बेचने थोड़ी आया हूँ यहाँ पर। भाई सामने एक और गाड़ी है, बड़ी खटाला सी लग रही है, प्राइस भी ठीक ठाक है यार, 2,000 तो सही है, बट यार ये क्या हो रखा है इस गाड़ी के? आंटी ऊंट मूत की। भाई यार अभी ना मेरे को एक कमाल की ओडी Q7 मिली है, वो भी सिर्फ 10,000 में। यार मैं ये गाड़ी लेने वाला हूँ भाई पक्का, क्योंकि देखो कंडीशन बहुत ही बढ़िया है गाड़ी की, और मैंने ना बार्गेनिंग की स्किल भी अनलॉक कर ली है, तो फटाफट इसको 10,000 बोल रहा है ना, चलो 9,000 बोल के देखते हैं, क्या पता मान जाए। भाई ले ले यार 9,000, भाई नहीं क्या मेरा? योर ऑफर इज लो, वी विल नॉट बी एबल टू एग्री ऑन दिस प्राइस। अबे साले चल अब 9,700 ले, यहाँ से दफा होनी रेपटा पड़ेगा अब तेरे। ओ भाई चलो यार ये गाड़ी तो मैंने ले ली, ज्यादा चेक वेक तो मैंने करा नहीं, चलो फटाफट से यार इसको गैराज पे अपने छोड़ के आते हैं, थोड़ा यार इंटीरियर डैमेज इसको रिपेयर करवाना पड़ेगा। ओ भाई ये सामने काफिला कहाँ पर जा रहा है? वो सब छोड़ो, गाड़ी तो बढ़िया ले ली अपन ने। ओ भाई आराम से। ओ यार ठुकी गई आखिर। अरे यार रास्ते ना अभी तक मेरे को ढंग से याद नहीं हुए। चलो यार रोड पे तो आ गया, रोड से बस सीधी भगानी है, आ ही जाएगा कभी ना कभी। तो यार इस गाड़ी की ना आवाज बड़ी डेंजरस है, थोड़ी भारी आवाज है यार। शोरूम पे खड़ी करने से पहले ना इसको रिपेयर करवाना पड़ेगा। आ गए हैं ऑटो रिपेयर शॉप पे। भाई यार यहाँ पर भी बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा, मेरे को लग रहा है कुछ ज्यादा ही डैमेज है गाड़ी। नहीं यार सिर्फ पीछे और आगे से थोड़ी सी डैमेज है, $298। ठीक है भाई कर दे रिपेयर। भाई एक काम कर, तू रिपेयर कर, मैं कार ऑक्शन में जाके आता हूँ। मैं ना यार अभी तक एक बार भी नहीं गया हूँ कार ऑक्शन में, चलो वहीं चल के देखते हैं, वहाँ पर भी बढ़िया बढ़िया कार्स आती है। लेट्स गो, कार ऑक्शन पे मैं पहुँच गया हूँ। ई डेली टिकट, यार मेरे को टिकट खरीदनी पड़ेगी क्या? डेली टिकट भाई $300 की टिकट है ये। एक सेकंड, अरे भाई ये टिकट कब खरीद ली मैंने? अरे यार फालतू खर्चा हो गया। चलो कोई नहीं यार, कार ऑक्शन में बढ़िया सी कार मिल जाएगी तो देख लेंगे। चलो यार एक गाड़ी आई है, काफ़ी बढ़िया लग रही है यार, फरारी जैसी लग रही है पुरानी। कितने की है? ओ भाई 3,35,000 से तो शुरुआत हुई है इसकी। ओ भाई 4,83,000 पे खत्म हो रही है। भाई भगलो यहाँ से, यहाँ तो प्राइवेट जेट ले लूंगा यार इतने में मैं। अंकल ये लो आपकी टिकट अपनी बुंड में। तो भाई ये रही अपनी सस्ती सुंदर टिकाऊ सी गाड़ी यार, 10,000 में खरीदी थी, थोड़ी सी रिपेयर होने में टाइम लग गया। भाई एक काम करूंगा इसको पेंट करा लेता हूँ, बढ़िया लगेगी। देखते हैं देखिए यार कौन कौन से पेंट्स अवेलेबल है यहाँ पर। यार पीली ना बिल्कुल बकवास लग रही है, मेरे को मजा नहीं आया पीली में तो। यार कलर्स तो बहुत सारे हैं, बट यार कुछ समझ में नहीं आ रहा कौन सा कराऊं। एक काम कर रहे यार अपने तो व्हाइट कर दे, व्हाइट सही है।
भाई $300 का पेंट, चलो कोई बात नहीं। भाई अरे इस गाड़ी का कलर तो कर। भाई यार ये मेरे पैसे खा गया, $300 कट गए, कलर किया ही नहीं इसने। भाई गजब यार, फालतू में $300 ले लिए, कलर भी नहीं किया। वो की वही है ये गाड़ी तो। चलो यार फटाफट से पार्क कर देता हूँ। लेकिन यार ये कचरा कौन फेंक के जा रहा है? भाई मैं तो यहाँ पे रहता ही नहीं हूँ। भाई डस्टबिन बना दूंगा, कोई पकड़ में आ गया ना कचरा फेंकते हुए तो। लेट्स गो यार, इस गाड़ी को ना थोड़ा महंगा भेजेंगे, क्योंकि यार बहुत ज्यादा खर्चा करा दिया है इस गाड़ी ने। देखते हैं टोटल खर्चा इसने कितने का कराया है। भाई 10 की तो मैंने खरीदी थी, और ये डेंटिंग पेंटिंग वगैरह। भाई 11 सीधा 11,500। भाई कम से नहीं यार 11,500। हाँ 11,500 का तो खर्चा हुआ ही है। फटाफट से एक टाइटल लिख देता हूँ ऑडी, ठीक है, और एक इसकी रेट लिख देते हैं। मैं यार 16,000 लिख के देखता हूँ, क्या पता यार बिकी जाए। $4,000 का सीधा प्रॉफिट मिल जाएगा यार, क्योंकि यार इसकी पेंटिंग तो मैं करा के लाया था, बट उस गधे ने करी नहीं, उसके पास नहीं जाऊँगा यार अब। साले चोर बंदे हैं बिल्कुल। भाई यार गाड़ी बिकी नहीं, रात पहले हो गई। फटाफट से यार ऑफिस को बंद करते हैं। यार ये बिक जाएगी क्या गाड़ी, मेरे को लग रहा नहीं है, क्योंकि यार अब तक तो आराम से 2-3 कस्टमर तो आ ही जाते हैं। चलो कोई नहीं, कल सुबह ट्राई करते हैं। फटाफट से चलते हैं अपने कंटेनर पे। यार यहाँ पे एक बत्ती तो लगा दो, इधर उजाला ही नहीं है बिल्कुल। ओ भाई साहब 10,600 का नुकसान आज। अच्छा वो गाड़ी खरीद ली और उसकी डेंटिंग पेंटिंग करवा दी भाई। तो यार सुबह हो गई थी और मैं अपने ऑफिस पे आ चुका हूँ। लेकिन यार मेरे को लग रहा है इस गाड़ी को मेरे को ना साफ भी करा लेना चाहिए, क्योंकि मैंने इतना खर्चा कर ही दिया है, तो अब इसको साफ भी करा लेते। बहुत ज़्यादा गंदी हो गई यार बाहर खड़ी हो गई, और मैं इसको खुद साफ करने वाली स्किल्स अनलॉक करने के लिए थोड़े से पॉइंट और बढ़ाने पड़ेंगे मेरे को। एक सेकेंड यार, शोरूम में कस्टमर आए। बोलो भैया कितने? 16,000 दे दो पूरे के पूरे। 11,000 पागल है क्या भाई, इतने में खरीदी है मैंने वो गाड़ी। बार्गेन करता हूँ, क्या पता 15,000 में दे दे यार। नहीं यार ये अपने 11,000 ही लेके आया है। भाई एक काम कर, बत्ती बना ले। भाई ओडी लेंगे 11,000 में। हाँ आंटी जी आप आओ। आंटी जी मुझे पानी पिला दीजिए, मेरा गला सूख रहा है। भाई ये आंटी तो फुल चश्मा वश्मा पहन के आई है, ये तो ले ही लेगी यार। है 11,300 बस, भाग गए यहाँ से। गाड़ी तो दूंगा नहीं, डंडा लग मार दूंगा अभी। भाई सम्राट ऑटोस फेमस नहीं हुआ है अभी। फटाफट से यार इस गाड़ी को सेल से हटा के इसको वॉश करा के लाना पड़ेगा। भाई ये गाड़ी जब से आई है खर्चा ही बढ़े जा रहा है यार। चलते हैं फटाफट से। यार गाड़ी की आवाज तो बड़ी भयंकर है, और ये देखो ड्रिफ्ट मार रही है। ओ भाई साहब ड्रिफ्ट भी बहुत तगड़ी मार लेती है। ले रहे भाई इसको वॉश कर दे यार थोड़ी। यार गाड़ी धोने के $50 लगता है यार, घर पे चल जाना पड़ेगा। अरे भाई तू तो इधर आ जा यार, यहाँ पे खड़ा होके भीग रहा है। लगता है यार ये यहीं नहाता होगा। चलो कोई नहीं। चलो भाई गाड़ी एकदम झकास क्लीन हो चुकी है। सामने से यार इनने एरिया बढ़िया बना रखा है, और यार ये गाड़ी का कलर ही चेंज हो गया बिल्कुल। देख रहे हो पहले तो ब्राउन सी थी, अब तो थोड़ी वाइट या सिल्वर कलर की हो गई है। भाई इतनी ज़्यादा गंदी हो रखी थी कि मेरे को तो पता ही नहीं था। आ गए हैं शोरूम पे। यार ये फिर से कोई कचरा फेंक गया। कोई नहीं यार, इसको $17,000 तो मैं क्या है लगा ही देता हूँ, क्योंकि यार मैंने थोड़ा सा खर्चा और कर दिया है इस पे। अब यार पुट इट ऑन सेल, और भाई अब कस्टमर्स की लाइन लगवा दो यार। कस्टमर तो यार कोई आ रहा नहीं है। फटाफट से कार मार्केट जाके एक दो गाड़ियां और खरीद लेता हूँ, ताकि यार अपना शोरूम तो लगे एक गाड़ी खड़ी है बस। पहुंच चुके हैं कार मार्केट, और भाई गाड़ियां तो बहुत सारी आई हुई है। और भाई थोड़ी औकात देख के चलेंगे, क्योंकि अपने पास $6,000 ही है। ये स्कोडा की एसयूवी कितने की है? 24। अरे भाई समझ में नहीं आ रहा कौन कौन सी गाड़ी है, तो इनको जबरदस्ती की लूट मचा रखी है। ओ भाई साहब अभी मिली ना यार एक काम की गाड़ी, ये जरूर सस्ती है, ये तो गारंटी सस्ती ही है। देखो भाई $1,400 भाई, ये वाली मैं आराम से ले सकता हूँ, 1400 की है बस। भाई ठीक है मैंने ये गाड़ी बिना सोचे समझे खरीद लिया, और इसको शोरूम पे लेके चलते हैं फटाफट। पता नहीं यार इस गाड़ी की कंडीशन कितनी ज्यादा खराब है, वो तो वहीं जाके पता चलेगा। बट यार इसकी, अरे इसमें सुपरा का इंजन रखा हुआ है क्या? ओ भाई देख रहे हो कैसे आवाज आ रही है यार इस गाड़ी से। यार इस गाड़ी से ना मैं ऐसे रता करूंगा, आराम से बिक जाएगी। लेकिन यार शोरूम पे कस्टमर आए हैं, फटाफट से निकल लेते हैं यहाँ से। भाई ये कस्टमर भाग रहे हैं, दीदी रुक जाओ। चलो यार यहाँ पे और कस्टमर भी, इनको बोलते हैं। तो मैंने 17,000 रेट लगाई है। हैं भाई ये कितने गए अभी थे कस्टमर है? भाई भाग ले यहाँ से, भाग भाग भाग। भाई 9,000 ही बोल रही थी। और दादी जी आप, यार आप तो क्या ही खरीदोगे 11,000 यार? नहीं नहीं नहीं, मेरी 12,000 का तो खर्चा हो गया इस गाड़ी पे, क्या 11,000 में बेचूंगा। चलो निकलो यहाँ से। चलो यार इस गाड़ी को रिपेयर करवा के इसको भी फटाफट खड़ा करते हैं, शायद ये बिक जाए। भाई देख इंजन में चेंज नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी, आवाज़ वो की वो रहनी चाहिए। $420 यार। चलो कोई नहीं यार, आसपास में घूम के आता हूँ। जैक जंकयार्ड, पहले भी यार मैं आके गया था शायद यहाँ पे। ये क्या बेच रहे हो भाई अंकल, आप भी गाड़ियाँ बेच रहे हो क्या? थोड़े से पैसे मिलते हैं ना लेना। यार यहाँ से ना मैं कचरा कलेक्ट कर सकता हूँ ये गाड़। और अंकल यार आप ये लेते हो क्या? ओ भाई साहब
इसके यहाँ से उठा के मैंने इसको ही बेच दिया भाई, ये तगड़ा काम है। चलो ये एक दो चीज़ें और बेचता हूँ, ये टायर भी बिकाऊँ क्या भाई? नहीं नहीं यार, शोरूम का मालिक हो कि कचरा क्यों उठा रहा हूँ मैं? शायद यार बस का किराया तो निकल ही जाएगा इससे भाई। $80 मिल गए यार मेरे को, 40 तो पहले, 40 अभी। अंकल अपनी मुलाकात होती रहेगी, ठीक है? नाइस, अपनी गाड़ी यहाँ पे रिपेयर हो चुकी है और इसको भी फटाफट से यार सेल पे लगा देते हैं। लेकिन कस्टमर्स, आई थिंक कस्टमर नहीं आए हुए यार, कोई कस्टमर है ही नहीं। चलो इस गाड़ी को भी लगाते हैं सेल पे। यार इस पे भी थोड़ा बहुत खर्चा हो गया, $2,000-1,000, तो कितना लगाऊं मैं इसकी रेट? यार ज़्यादा लालच नहीं करेंगे, गाड़ियाँ क्या है बिक नहीं रही है। 4,000 ठीक है, 2,000 की मैंने लिया है, 4,000 की ठीक है। चलो चलो यार कस्टमर आए हैं। दीदी यार आप फिर आ गए, पैसे तुम्हारे जेब में है नहीं, गाड़ी खरीदने आ जाते हैं। भाई मैं 17,000 की बेच रहा हूँ ये 9,000, कितनी घटिया गाड़ी खरीद ली यार ये मैंने, कोई इसको लेने को तैयार नहीं है, 11,000 दे रहे हैं बस लास्ट। एक सेकंड यार, दूसरी गाड़ी के लिए भी कस्टमर आए हैं। तू भाई मैं 4 की बेच रहा हूँ, कितने की ले रहा है? 2,600 यार, ऐसा तो मत करो यार। ये दूसरा वाला अमीर लग रहा है, कोट पेंट में है, इससे पूछते हैं, ये दे देगा 4,000। नहीं यार ये उससे भी फकीर है। एक सेकंड में इससे बार्गेन करके 3,000 मांगता हूँ पहले वाले से। ये शायद गजब है यार, 2,600 पे अड़ा हुआ है ये तो। चल एक काम कर, 2,800 फाइनल, नहीं तो अब जूत पड़ेंगे तेरे। ओ भाई साहब फाइनल यार, ये एक गाड़ी तो बिक चुकी है लेकिन ये एक मनहूस गाड़ी पता नहीं कब बिकेगी यार। ये ना बढ़िया ऑफर है ठीक है, 11,000 के आसपास तो ये दे रही है, मैं इसको 12,000 ऑफर करता हूँ भाई, बिक जाए ये गाड़ी। चल फ्री कर इसको, नहीं चाहिए ये गाड़ी, चाहिए ही नहीं मेरे को। एंड भाई यस यस, ये गाड़ी बिक गई, अब नहीं खरीदूंगा ये वाली गाड़ी वापस, ऑफिस बंद कर दिया मैंने। $19,000 हो चुके हैं मेरे पास। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, हमने यार जितना हो सकता था उतना प्रॉफिट आज के लिए बना लिया है। भले यार मैं आज टूटी फूटी गाड़ियाँ खरीद रहा हूँ लेकिन यार आगे चल के लेम्बोर्गिनी, फरारी, बुगाटी वगैरह भी खरीदेंगे अपन, $12,000 का प्रॉफिट हुआ है चलो आज। तो गाइस वीडियो अगर यहाँ तक पूरा देख लिया है तो कमेंट सेक्शन में ये वाला इमोजी ड्रॉप करना मत भूलना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।